आज मैं आपके साथ में एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है। अगर आपके गमले में कीड़े मकोड़े हो रहे हैं तो अभी इस टाइम पर तो हम कोई भी जो है लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे सकते अपने पौधे को उसकी जड़ों में। कारण यही है कि लगातार बारिश होने की वजह से, हमारे यहाँ पर जो बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम जो है इसमें रॉ फर्टिलाइजर देंगे। बहुत ही आसान फर्टिलाइजर है। इसके लिए जो है आपको, आप चाहें तो ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइजर है, या पेस्टिसाइड समझिए, कीटनाशक समझिए। तो ये फर्टिलाइजर और कीटनाशक दोनों का काम करेगा आपके पौधे में। यदि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है और पौधे की जो है जड़ में मिट्टी की जगह पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं, तो मेरे गार्डन में इसी बारिश के टाइम पर थोड़े से कीड़े मकोड़े होते हैं, मतलब जो लंबे वाले होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी के जैसे ही धूप आने लगती है सभी कीड़े मकोड़े हट जाते हैं। गमले में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन टेरेस पे मुझे ये चलती हुई दिखाई दी। इस तरीके की कभी कभी मेरे गमले में होते हैं जो ये चल रही है, इस तरीके की कीड़ी जैसी होती है, तो ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, कभी कभी गमले की मिट्टी में हो जाते हैं। तो इन सबको खत्म करने के लिए मैं बहुत सारे घरेलू उपाय करती रहती हूँ, लेकिन बारिश में ऐसा कोई भी घरेलू उपाय काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कीड़े होते क्यों हैं आपके जो गमले की मिट्टी है उसमें। सबसे पहला तो गमले की मिट्टी अगर लगातार गीली है, चाहे बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, और मिट्टी ना सूखने देने के अलावा आप जो है उसमें फर्टिलाइजर देते रहते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हमारे घरेलू फर्टिलाइजर होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप जो है मिट्टी को थोड़ा सा नम, थोड़ा सा सूखा, मतलब मीडियम रखें, और उसके बाद में पौधे की जो मिट्टी है उसको हवा जरूर लगनी चाहिए। तो गुड़ाई जो है आप करते रहें, टाइम टाइम पर इनकी गुड़ाई करें। और जब भी अपने पौधे को आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं, वैसे तो मैं बारिश में बोलूंगी कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्पेशली जो हमारे बनाना पील हैं, ऑनियन पील हैं, पोटैटो पील हैं, उनके फर्टिलाइजर बनाकर लिक्विड फर्टिलाइजर या रॉ फॉर्म में आप इस टाइम पर बिल्कुल भी इनको ना दें। इससे क्या है कि कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होंगे। आपको जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो रहते हैं हमारे किचन वेस्ट फर्टिलाइजर, अगर उनको देना है तो आप स्पेशली जब गर्मियों का टाइम रहता है, जब बहुत गर्मी पड़ती रहती है, तब हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा हमारे पौधों के लिए नीड होती है। आज जो फर्टिलाइजर दूंगी वो फर्टिलाइजर के साथ साथ कीटनाशक का भी काम करेगा। तो उसको देने के पहले हम जो है मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर लेंगे। आपके पास में जो भी आपका गार्डनिंग टूल्स हो उससे कर लें। मेरे पास में अभी फिलहाल मैं इधर पर है नहीं, तो मैं ये लकड़ी की मदद से ही, और जब भी मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं उसमें आप जो है महीने में एक बार ही गुड़ाई करें, इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। कारण ये है कि आप देख सकते हैं हिबिस्कस की जो रूट्स रहती हैं वो ऊपर की साइड ज़्यादा रहती हैं, तो ये जो छोटी छोटी सी रूट्स रहती हैं, न्यू रूट्स रहती हैं, तो ये ऊपर की साइड ही बढ़ती हैं, नीचे की साइड रूट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। जो पुराने रूट्स रहती हैं हमारी, ओल्ड जो मेन ब्रांचेस की रूट रहती है वो ही नीचे जाती है, बाकी की नई नई जो बेबी रूट्स आती हैं वो ऊपर की साइड ही फैलती हैं। तो इसकी जो है हमको बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी रहती है। तो मैं बारिश में वैसा भी बोलती हूँ कि थोड़ी कम ही गुड़ाई करिए। अब गुड़ाई कम करने से मतलब ये नहीं है कि हमको गुड़ाई करनी ही नहीं है, करनी है। और ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लगातार अगर बारिश गिर रही है तो गमले की मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए। अब इसमें हम देंगे हमारा कीटनाशक। इस कीटनाशक को आप ज़्यादा कम भी अपने गमले की मिट्टी में दे सकते हैं। कारण ये है कि ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है और कीटनाशक भी है। तो छोटे से 3 इंच के गमले में मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें दे दिया है। तो ये जो कीटनाशक है या फर्टिलाइजर है, इसको बोलते हैं नीम खली, या जो है नीम केक ऐसा भी बोला जाता है। तो आप जिस तरीके से आपको लेना हो उस तरीके से ले सकते हैं। इसको हम घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पर इसको बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो है अगर आप लेना चाहते हैं इस फर्टिलाइजर को या पेस्टिसाइड को, इसको आप जो है जो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और हमारी जो कृषि वाली दुकान होती है वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको 500 ग्राम जो है 50 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो इससे जो है बारिश में आप कीड़े मकोड़ों से अपने जो गमले की मिट्टी को सुरक्षित कर पाएंगे, उतने ज़्यादा कीड़े नहीं होंगे। और आप स्पेशली आप हमेशा याद रखें कि बारिश में आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना है जो कि हमारे किचन से निकला हुआ है। अब इसके बाद में मैं इसको फर्टिलाइज करूँगी। तो वैसे तो ये नीम खली जो है हमारा एक जो है फंगीसाइड का भी काम करता है। और आप देख रहे हैं हिबिस्कस में छोटा सा प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। तब इसको फर्टिलाइज कर दूंगी जिससे कि
ये बड्स भी ओपन हो जाएं, अच्छे से खिल जाएं और नई ब्रांचेस लगातार आती रहें। तो अगर हम अपने पौधे की मिट्टी में ये वाली खाद डाल देंगे तो हमारा हिबिस्कस का प्लांट जो है बहुत ही आसानी से ग्रोथ करता रहेगा और नई नई ब्रांचेस आएंगी, नई नई शूट्स आएंगी और कलियां भी नहीं गिरेंगी। हिबिस्कस के लिए कोई भी खाद बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये है ऑर्गेनिक, इसको हम बोलते हैं सीबिड ग्रेन्यूल्स। अगर आपके पास में सीबिड ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आप जाइम भी यूज कर सकते हैं, जाइम भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो मैं एक पौधे के लिए बना रही हूँ तो इसका मैं आधा लूंगी, लगभग एक टी स्पून के करीब मैंने सीबिड ग्रेन्यूल्स लिए हैं। दूसरा फर्टिलाइजर है ये है एप्सम सॉल्ट, जो है मैग्नीशियम सल्फेट, जो हमारे पौधे में ग्रीनरी बनाकर रखता है और पौधे को हेल्दी बनाकर रखता है, सुंदर दिखाई देता है। तो इसकी भी हम लगभग एक टीस्पून के करीब इसको भी ले लेंगे। अब आपको एप्सम सॉल्ट की मात्रा ज्यादा लग रही होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतले ग्रेन्यूल्स में है और जो सीबिड था वो थोड़े से मीडियम साइज के ग्रेन्यूल्स में थे। नेक्स्ट फर्टिलाइजर जो है वो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, बारिश में और सर्दियों में हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग के लिए। तो ये है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं डीएपी। डीएपी मैं 3 इंच के गमले में डालने वाली हूँ तो मैं इसके 4 से 5 दाने डालूंगी। आप जो है अपने गमले के हिसाब से यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं डालना है डीएपी की मात्रा। डीएपी जो होता है वो हमारे पौधे में फास्फोरस की कमी को दूर करता है, जिससे हमारे पौधे में कलियां वगैरह नहीं गिरती हैं, पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। हमने पौधे की मिट्टी में नीम खली पहले ही दे दी थी और गुड़ाई भी कर दी थी, तो बस हमको इस फर्टिलाइजर को देना है इस गमले की मिट्टी में। और मैंने एक ही पौधे के लिए बनाया है तो ये फर्टिलाइजर पूरा ही दे दूंगी। और बारिश के टाइम पर ये फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट है, इस तरीके के ग्रेन्यूल्स फॉर्म में अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं अपने पौधे की मिट्टी को तो वो बहुत आसानी से जड़ जो है ग्रहण कर लेती है। और अब इसको हमको गुड़ाई नहीं करना है, बस हाथ से इस तरीके से मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है इसी तरीके से। अब थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं बारिश की, तो इसी के पानी से ये जो है फर्टिलाइजर धीमे धीमे घुलनशील होगा, हमारी पौधों की जड़ों को मिलता जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बगिया में जो है गमले की मिट्टी में कीड़े मकोड़े ना हों और पौधे भी हेल्दी ग्रोथ करते रहें, जैसे कि मेरे हिबिस्कस प्लांट या और जो अन्य प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग भी उनमें काफी अच्छी होती है, तो जैसे मैं फर्टिलाइजर देती हूँ आप भी मेरी तरह फर्टिलाइजर देकर अपने गमले में बहुत सारे फ्लावर पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।